हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती एंड आई एम दीपक सर। तो दोस्तों, आज मेरा जो क्लास है वो है फिर वही साइंस का, और मैं आपको बताने वाला हूँ अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि अंडे और शुक्राणु में अंतर क्या होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनके लिए क्वेश्चन होगा VVR, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। एंड जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो जो अपना रियल लाइफ में भी ये जानना जरूरी है उन लोगों को भी, और जानना चाहेंगे भी कि अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि वीडियो आपको कहीं ना कहीं जानकारी जरूर प्राप्त देगी। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा विदाउट स्किपिंग के। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि अंडे शुक्राणु में क्या अंतर है। सबसे पहली बात, ये आपका हुआ मादा का अंडाणु और ये है नर का शुक्राणु। ठीक है, ये मादा का अंडाणु है और नर का क्या शुक्राणु है, ये आपको पता होगा। इसमें आखिर डिफरेंस क्या, अंतर क्या है। ठीक है, तो अंडे और शुक्राणु में निम्नलिखित अंतर होते हैं। क्या होते हैं अंडे और शुक्राणु में, क्या होते हैं निम्नलिखित अंतर होते हैं, जान लीजिए। बिल्कुल होगा, आपको पता ही होगा, मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु दोनों में क्या होगा, काफी डिफरेंस होता है, अंतर ही होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूँ क्या अंतर होता है। आप बारी बारी से इसको सीखने का काम कीजिए, उससे पहले आपको सुनना पड़ेगा, सुनिएगा तभी आप सीख पाइएगा। और मैं आपको बिल्कुल बहुत सारी बात बताऊंगा, काफी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है अंतर में, कि यह मादा जनन कोशिका है। क्या है, मादा जनन कोशिका है और इसमें यह नर जनन कोशिका है। ये अंडे मादा का जो अंडाणु है, यह क्या होगा, यह मादा जनन कोशिका हो जाएगा जो मादा का अंडाणु में आता है, और दूसरा जो है नर का शुक्राणु जो आएगा उसमें यह नर जनन कोशिका होगा, क्योंकि नर के लिए होगा और ये क्या होगा मादा के लिए। दूसरा टॉपिक कह रहा है, यानी दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह शुक्राणु की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। ये जो शुक्राणु है ये क्या है, ये नर का शुक्राणु है, तो इसके अपेक्षा ये जो होगा मादा का अंडाणु ये बहुत बड़ा होगा, किसका, शुक्राणु की अपेक्षा। जो नर का शुक्राणु उसकी अपेक्षा क्या होगा, ये बड़ा होगा। लेकिन यह क्या है, यह अंडे की अपेक्षा आकार में छोटा होता है। जब ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, जब ये बड़ा होगा तो ये क्या होगा, आपरूपी छोटा होगा, है ना, इसलिए यह अंडे के अपेक्षा आकार में क्या होता है, छोटा होता है। तीसरा पॉइंट है, इसकी पूंछ नहीं होती है, यानी इसमें जो है इसकी कोई पूंछ ही नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी पूंछ होती है। जब इसमें नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, आपरूपी पता होगा कि अगर दोनों में डिफरेंस हो तो एक में गुण होता है, एक में गुण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसकी पूंछ होती है, यानी कि शुक्राणु में पूंछ होगी तो अंडाणु में पूंछ नहीं होती। ठीक है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह तैर नहीं सकता है, यह तैर नहीं सकता है, मादा के जो अंडाणु तैर नहीं सकता है, लेकिन यह क्या है, पूंछ की सहायता से तैर सकता है। यह क्या है कि पूंछ की सहायता से क्या कर सकता है, तैर सकता है। जो शुक्राणु होता है नर का, वो क्या कर सकता है, तैर सकता है। तो ये आपको फोर पॉइंट जो आपको दिखाई देता होगा बोर्ड पे, ठीक है, ये फोर पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन आपका रहता है, क्वेश्चन रहता है आपको पांच नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंथ क्लास के लिए। पांच नंबर क्वेश्चन पूछता है, अगर मैं चार पॉइंट ही सिर्फ बता दूं दोनों में, एक तरफ ये मादा के अंडाणु के बारे में या दूसरी तरफ नर के शुक्राणु के बारे में पिक्चर बना करके, तो हमें पांच नंबर मिल जाता है। और ये पॉइंट काफी इजी है, सिर्फ आप एक याद कर लीजिएगा, सिर्फ ये मादा के अंडाणु का अंतर पॉइंट का, ठीक है, तो आपको ये नर का शुक्राणु का क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यह मादा जनन कोशिका होगा तो ये नर जनन कोशिका होगा, एकदम इजी है। यह शुक्राणु की अपेक्षाकार में बड़ा होगा तो ये क्या होगा, अंडे की अपेक्षाकार में छोटा हो जाएगा। और इसकी पूछ नहीं होती तो इसकी पूछ क्या होगी, होगी ही, जब इसका नहीं होगा तो इसका होगा। और यह तैर नहीं सकता है, तो जब यह तैर नहीं सकता है तो यह पूछ की सहायता से क्या कर सकता है, नर का शुक्राणु तैर सकता है। तो ये है अंतर, ठीक है, दोनों क्या होगा अंडे और शुक्राणु में, यही पॉइंट हम क्लियर करके क्या कर सकते हैं, अंतर को बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपको बताते हैं कि परागण क्या होता है। दोस्तों, अब देखिए, परागण किसे कहते हैं और पर परागण का वर्णन कीजिए। हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक होगा नेक्स्ट पॉइंट होगा परागण के बारे में। ठीक है, देखिए हमारा क्या है कि परागण किसे कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा। ठीक है, तो परागण किसे कहते हैं और पर परागण का वर्णन करें, तो सबसे पहले जानेंगे कि परागण होता क्या है। ठीक है, तो परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, परागकणों के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचेगा, जो क्रिया, जो हमारा जो रिएक्शन होगा, वो पहुंचेगा कहाँ, परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। ठीक है, और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, तो परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, परागण कहलाता भी है। और परागण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो अब ये जानिए कि स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, लेकिन मैं आपको इस परिभाषा से आपको मतलब इस तरह समझाऊंगा, इस तरह एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और मेरे आप मतलब मैं ऐसा भी करता हूँ कि आपको रटना नहीं पड़े, सिर्फ यहाँ पे आकर आपको समझना है, मतलब आप एकदम मन में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, विदाउट डाउट कि आप सिर्फ वीडियो को देखिए, फ्री माइंड होना चाहिए, मतलब कि मेंटलिटी पूरा एकदम क्लीन होना चाहिए और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है,
प्रागण जो है यानी कि सीधी समझिए कि प्राकणों के वर्तिकाग्र तक जो पहुंचेगा क्रिया, जो हम क्रिया करते हैं और जो वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रागण कहलाएगा। ठीक है, और प्रागण दो प्रकार के होते हैं, होता है स्वपरागण, दूसरा क्या होता है परपरागण होता है, एक स्वपरागण दूसरा परपरागण। तो आइए आपको बताते हैं कि स्वपरागण और परपरागण क्या है। ठीक है, इसके लिए वीडियो में आपको बनना पड़ेगा तभी आप समझ पाएंगे स्वपरागण और परपरागण क्या है और परागण क्या है। ठीक है, तो वीडियो काफी मजा आएगा क्योंकि आपको मजा आ ही रहा है और आगे भी आपको मजा आएगा, इसलिए वीडियो को क्या कीजिए पूरा देखिए विदाउट स्किपिंग के। तो दोस्तों देखिए स्वपरागण की परिभाषा, आइए आपको बताते हैं स्वपरागण किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वपरागण क्या है कि जब एक ही फूल के परागकण परिपक्व होकर उसी फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं स्वपरागण का परिभाषा। ठीक है, तो स्वपरागण का जो परिभाषा होगा वो होगा जब एक ही फूल के परागकण परिपक्व होकर उसी फूल के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है, तो स्वपरागण जो परिभाषा होगा ये यही होगा। फिर से रिकॉल कर देता हूं स्वपरागण का परिभाषा, यानी कि जब एक ही फूल के परागकण परिपक्व होकर उसी फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, फूल के जो स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होगा ना उसी पर परिपक्व होकर गिर जाता है और यही हमारा क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इसका होगा बैगन, टमाटर, सरसों, ये सब जो होता है सब स्वपरागण का उदाहरण होता है। क्या होगा, स्वपरागण का उदाहरण होगा। और आगे आपको बताते हैं परपरागण, तो कहीं नहीं जाइए, वीडियो को देख करके ही कहीं जाना होगा तो जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब हमारा जो पॉइंट होगा इस वीडियो का लास्ट होगा परपरागण। तो परपरागण का बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है परपरागण। तो परपरागण के बारे में जानिए क्या होता है, जब एक फूल के परागकण वायु, कीट आदि द्वारा किसी दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसमें क्या होगा कि किसी दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, परपरागण कहेंगे। क्या कहेंगे, जो क्रिया होगा ना, कहने का मतलब है कि जब फूल के परागकण वायु कीट आदि द्वारा किसके द्वारा, वायु कीट आदि के द्वारा किसी दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। आप जान लीजिए परपरागण जो होगा वो अनेक प्रकार से होता है। ठीक है, परपरागण का एग्जांपल हम जब भी देंगे तो उसका क्रिया ही अनेक प्रकार से होता है। फर्स्ट हो जाएगा वायु के द्वारा होगा, दूसरा कीट पतंग के द्वारा होगा, तीसरा पानी के द्वारा होगा और चौथा क्या होगा, मनुष्य के द्वारा, और पांचवा होगा पक्षियों के द्वारा। इन क्रियाओं के द्वारा परपरागण जो होता है वो संपन्न होता है। ठीक है, तो जब एक फूल के परागकण वायु कीट आदि द्वारा किसी दूसरे फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया कि परपरागण अनेक प्रकार से होती है क्योंकि ये पॉइंट से क्लियर हो जाता है कि वायु के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा भी होगा, कीट पतंग के द्वारा भी होता है, पानी के द्वारा भी होता है, मनुष्य के द्वारा और पक्षियों के द्वारा होता है। तो ये था परपरागण की परिभाषा और स्वपरागण की परिभाषा मैंने आपको बताया, और अंडे और शुक्राणु में क्या अंतर होता है इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दिया। तो अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो आप लाइक नहीं डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर दूंगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, साइंस से, मैथ से, यानी कि ऑल सब्जेक्ट का वीडियो मैं इस चैनल पर देते रहता हूं और सारी बात भी मैं आपको देते रहता हूं। कुछ नए नए एजुकेशनल के हट करके भी आपको अपने जीवन में जीने की कुछ जो शैली होती है, जो एक संस्कार होती है, मैं आप इस चैनल पर लाते रहता हूं किसी दूसरे के माध्यम से। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना शेयर करना है शेयर कीजिए और वीडियो को जितना आगे अपने फ्रेंड तक भेजना है भेजते रहिए। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।